खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। आगर जिले के कानड़ पुलिस को लगातार सफलता पर सफलता मिल रही है। ऐसे में कई सालों से फरार चल रहे आरोपियों को पहले भी कानड़ पुलिस कई गंभीर अपराध में लिप्त आरोपियों को जेल भेज चुकी है। ऐसे में कानड़ थाने के पुलिस अधिकारी द्वारा संपत्ति संबंधित इनामी अपराधी फरार बदमाश को कानड़ पुलिस न्यायालय में पेश कर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है। आज पुलिस अधीक्षक राकेश सगर, अतिरिक्त अधीक्षक कमल मौर्य, एसडीओपी ज्योति उम्मट, आगर मालवा के द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान संपत्ति संबंधित स्थायी वारंटी के गिरफ्तारी के संबंध में 8 वर्ष से फरार 5,000 रूपए के इनामी स्थायी वारंटी कृष्णा उर्फ कुंदन पिता मांगीलाल जाति खाती पटेल निवासी नागदा जिला देवास को थाना प्रभारी निरीक्षक जयश मंडले के कुशल मार्गदर्शन में गठित टीम उप निरीक्षक दिलीप कटारा, उप निरीक्षक निशा मवई, प्रधान आरक्षक सरदार सिंह परमार, प्रधान आरक्षक हरिनारायण, आशीष शुक्ल, मुकेश पवार, जयंत गंगवार, आरक्षक अशोक प्रजापति, महिला आरक्षक सुनीता, नरेंद्र जावरिया साइबर सेल द्वारा शाजापुर बाईपास से स्थायी वारंटी को घेराबंदी कर धर दबोचा। वहीं आज न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया। आगर मालवा से सोनू खान की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।